हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि नो कॉपीराइट फुल एचडी बैकग्राउंड किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से नो कॉपीराइट बैकग्राउंड्स बनाएंगे प्रोफेशनल फुल एचडी मन पसंदीदा बैकग्राउंड्स जो चाहें वो बनेगा। चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट में जानकारी दे दूँ, यदि आपको ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड हैं तो ड्रॉ करने का भी तरीका है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना ड्रॉ किए एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं अपने मन पसंद की। बात रही कॉपीराइट, कॉपीराइट क्यों आएगा, क्योंकि उसके हम ओनर हैं। कैसे काम करना है, कैसे बैकग्राउंड बनाना है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको यूट्यूब पर कुछ सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मोरल कार्टून, भैया ध्यान से सुनना, यह है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दायक है। मोरल स्टोरीज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दार वीडियो, क्योंकि आप सभी के लिए कार्टून बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप बना नहीं पाते। जंगल का हो, होम का हो, घर का हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, ध्यान रहे आप उस बैकग्राउंड को कुछ ही चंद सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इस बैकग्राउंड शूट चाहिए, लेकिन आप इस बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट करेंगे वो समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अदर बैकग्राउंड इस बैकग्राउंड से चाहिए, तो आप इस बैकग्राउंड को कैसे लेंगे। यहाँ पर यह चाहिए आपको इन सभी बैकग्राउंड में से एक बैकग्राउंड, आप इसके बजाय एक और फीचर को, इस और तरीके को यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, एंड सर्च करने के बाद यहाँ पर इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन है वो आपके सामने खुल कर आएगी। तो आपको यहाँ पर हिंदी कहानियाँ या फिर मोरल कहानियाँ लिख देनी है। सो फ्रेंड, जैसे आप सर्च करेंगे मोरल कार्टून, तो आपको मोरल कार्टून के इमेजेस, बैकग्राउंड्स, कैरेक्टर्स, थंबनेल, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। अब यहाँ से आपको लगता है कि हम इस बैकग्राउंड के ऊपर बिना ड्रॉ किए अपना बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यह हमें सबसे प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और हम चाहते हैं कि भैया यह बैकग्राउंड तो हमारा होता, हम इसे यूज कर लेते, लेकिन हमें दिक्कत है। हमें दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डाउनलोड और यहाँ पर शेयर करने का एंड थ्री डॉट। यहाँ पर इसे इजीली, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर शेयर भी बटन दिया गया है और यहाँ पर थ्री डॉट। तो यहाँ पर थ्री डॉट दिया गया है। देखिए इमेज सर्च मैन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता चलूँ। इमेज सर्च मैन पर कोई भी फोटो अपलोड नहीं होती है मेरी समझ से, यह यूट्यूब से ही, गूगल से ही अपने आप फोटो को उठा लेता है। यहाँ पर कोई भी फोटो अपलोड नहीं होती है, यहाँ से ही अलग से ही उठा लेता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कैसे एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी मेरी वीडियो का ही थंबनेल यहाँ पर मैंने शो होता हुआ देखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कभी भी अपनी वीडियो का थंबनेल इस पर नहीं डाला। तो यूट्यूब से वीडियो को खींचता है, कभी गूगल से खींचता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो फोटोज है यह गूगल से खींचा हुआ है, मतलब इसने गूगल से लिया है इस इमेज को, ब्लॉकबस्टर नाम किस बंदे की वेबसाइट से, और इनसे इस इमेज को खींच लिया है। तो आप इस तरीके से पहचान लीजिए। यहाँ से आप इसे या तो इसी तरीके से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड बटन है, या फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके, यदि यूट्यूब से खींचा होगा तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर चले जाना है, एंड यहाँ पर है तो यहाँ से चले जाना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे यूट्यूब ब्राउजर पर, ब्राउजर पर जाकर यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। यदि आपको यूट्यूब से थंबनेल डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ यूट्यूब से थंबनेल कैसे डाउनलोड करते हैं। यूट्यूब लिखेंगे और थंबनेल लिखेंगे और डाउनलोडर लिखेंगे, इस तरीके से आप यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर गूगल पर सर्च करेंगे और वहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे थंबनेल किसी भी वीडियो का। अब इतना आपको करने के बाद इतना क्या करना है, इतना आपने समझा कि किस तरीके से किया जाता है, आप तो यहाँ जो साइट खुलेगी उस साइट से आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपने वहाँ से किया है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर भी काफ़ी इमेजेस मिलेंगे जो कि आप यहाँ से थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यह एक इमेजेस है और यहाँ पर यह एक इमेजेस है, जो भी आपको कार्टून का अकॉर्डिंग बढ़िया लग रहा है इस पर मतलब लॉन्ग प्रेस करिए और यहाँ से इजीली इनको डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड इस तरीके से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से अपने मोबाइल का गूगल खोलना है और गूगल पर एक एप्लीकेशन का नाम लिखना है, सॉरी। सो मेरे भाई आपको आना है प्ले स्टोर पर, एंड प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको स्नैप एडिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। स्नैप एडिट से आप कुछ चंद सेकंड के अंदर अपना फ्री में कार्टून बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, नो कॉपीराइट, फुल एचडी और ओरिजिनल। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे, 2637 का है MB का, इसे इंस्टॉल करिए।
कुछ भी करिए, एमबी कुछ करिए, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को यूज करिए। यदि आप कार्टून की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, इसके समय समय पर आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसे ओपन करिए। फिलहाल ओपन करें, जानकारी के बता दें यह एक फ्री एप्लीकेशन, आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको कभी भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको एड वॉच करना होगा। तो एड वॉच करने के लिए हम तो बिल्कुल तैयार है कि भैया एड वॉच तो हम बिल्कुल कर लेंगे। तो हमें सो फ्रेंड, जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। आप कहेगा भैया पैसा तो 300 रुपया पर वीक के लिए, तो हम कहेंगे ना भैया हमको तो फ्री चाहिए, तो हम फ्री बटन पर क्लिक करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिमूवल का ऑप्शन है, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी ऑप्शन से हम चंद सेकंड के अंदर अपना एक कार्टून बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, जो कि फिलहाल हमने लिया है, अभी डाउनलोड किया, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद इस तरीके से करेंगे, एंड यहाँ पर जो भी चीज़ें मांग रहा है उसे यहाँ पर हम इसे अलाउ कर देंगे, इसे कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद आप यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को ज़रूर से मिल रही होंगी, यहाँ पर ब्रश और लैसो। तो आपको सदैव ब्रश का ही यूज करना है, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना आप इसका साइज रखना चाहते हैं। और ये न्यू वर्जन आया है सुपर इरेजर का, तो आप इसे छोड़िए, खैर इसका आप यूज ना करें। और यहाँ पर मैनुअली और ऑटो, तो आप सदैव मैनुअली करना अपने हाथों से, ऑटो के चक्कर में मत रहना, ठीक है। इतना आप ज़रूर से कर लेंगे। करने के बाद आपको जहाँ पर ये लिया है इसे जूम करेंगे, इन दोनों पार्ट को जूम करेंगे। जूम कैसे करते हैं, अपने फिंगर की सतह इस तरीके से करेंगे, एंड इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े प्यार के साथ आपको करना है। मैं फिलहाल जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको प्यार के साथ करना है, कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत कोई नहीं होगी बट बाहर चला जाए, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको बाहर ना जाए, ठीक है। मैं तो फिलहाल आपको जल्दी बना के दिखा रहा हूँ, एक बार पूरी वीडियो ख़राब होगी इस वजह से बनी पड़ी है मेरी ये सब कुछ चीज़ें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतना कर देंगे। जो लोगो, जी हाँ दोस्तों, ये लोगो वाटरमार्क को आप ज़िंदगी में कभी भूल मत जाना। कभी भी आप कहीं से इस लोगो वाटरमार्क को डाउनलोड करें तो इसे सबसे पहले रिमूव कर देना। आप रिमूव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे एड शो होगा, और एड शो होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का रिजल्ट शो होगा। चलिए मैं आपको रिजल्ट मिलाता हूँ, क्योंकि एड शो होंगे, काफ़ी चीज़ें रिसर्च करूँगी, तो हम उन सभी चीज़ों को कट करके मिलते हैं। बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का आएगा, जहाँ पर हमारे करेक्टर्स थे या बैकग्राउंड थे तो वहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी हमारा जो भी पार्ट थे, हमारे जो भी करेक्टर्स थे, यहाँ पर कोई भी हमें शो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जरा भी कोई भी चूक नहीं है, यदि यहाँ पर जरा भी सी चीज़ चूक रहती तो यहाँ पर ये रह गया, ऐसी चूक यहाँ पर देखने को मिलती। अब इतना करने के बाद यहाँ से हम बैक करेंगे, एक और ऑप्शन है सबसे बढ़िया से। सो फ्रेंड्स, आपने ऑब्जेक्ट रिमूवल वाले ऑप्शन से तो काम कर लिया, अब बारी है इनहेंस वाले ऑप्शन की। देखिए दोस्तों, ये इनहेंस का इतना पावरफुल ऑप्शन है जिसकी आप कंपेयरिंग ही नहीं कर सकते। आपने जो जस्ट किया है, यानी कि मतलब को किया है, मतलब ऑब्जेक्ट रिमूवल किया है, उसी बैकग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इनहेंस वॉच एंड ऐड पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमें ऐड देखना है, तभी हम कमारा हमें काम होगा, क्योंकि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऐड को वॉच करेंगे और फिर यहाँ पर काम करेंगे। ऐड को कट करने के बाद आपके सामने को इस तरीके का रिजल्ट होगा, 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट और 3 रिजल्ट। यहाँ पर आपको 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो भी आप चूज करना है वो चूज कर लीजिए। फिलहाल मैंने रिजल्ट नंबर 1 को ही चूज कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे इधर का अंतर और इधर, जैसे मैं इस कर्जर को राइट से लेकर लेफ्ट की ओर ले जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की ओर ले जा रहा हूँ, तो आप बैकग्राउंड में अंतर देखिए कितनी ज़्यादा चमक आ रही है, कितनी ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो मतलब आप देख लीजिए। इस तरीके से करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद फिर से आपको ऐड देखना और ऐड के बाद सेव करना है। अब एक और काम सबसे बड़ा बनता है, उस काम को आप जरूर से कर लीजिए, अन्यथा कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, आनंद बहुत ज़्यादा आने वाला है, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दायक बनने वाली है। जरा भी पसंद आ रही है तो लाइक करो एंड फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि आने वाले ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब फ्रेंड्स हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जो इमेज हमने अभाल जस्ट तैयार किया है, उस इमेज को पावर डॉक्टर एप्लीकेशन, काइन मास्टर एप्लीकेशन सभी में यूज कर लेना, जो आपकी मर्जी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल डॉट बटन पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से इसे एडजस्टिंग कर लेना है। यदि आपका न्यू वर्जन है तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं होगा। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूट्यूब साइज होगा, यूट्यूब साइज को सेलेक्ट करना। फिलहाल मेरे पास न्यू वर्जन है, सॉरी पुनः ओल्ड वर्जन है। यदि आपके पास न्यू वर्जन है तो इस तरीके का इंटरफेस होगा,
यूट्यूब साइज, फेसबुक साइज, सभी साइज वहाँ पर दिखेंगे। तो आपको जो साइज अच्छा लगे वो आप चूज कर लीजिए। तो मेरा नई न्यू वाले मोबाइल में थे ये फीचर, लेकिन इसमें मतलब ओल्ड वर्जन है, तो आप चूज कर लीजिए। एंड यहाँ पर आपको इतना करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, इस तरीके से एडजस्ट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है और हल्की सी कॉन्ट्रास्ट को हाई करना है, हल्की सी। इतनी हाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा, कम करेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन हल्की सी आपको हाई कर देनी है, ऐसी 4 से 5 करनी है बस, 10 नहीं करनी है, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी खैर। और यहाँ पर हल्की सी लाइटनेस में चले जाना है, हल्की सी लाइटनेस 3 से 4% बढ़ानी है और इसे बैक करना है। अब हमारा अकाउंट पूरी तरीके से तैयार है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट देने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, टाइम लगा लीजिए, या ढंग से काम करेंगे तो आप 5 मिनट के अंदर यह काम निपटवा सकते हैं। एक मतलब 30 सेकंड के 2 ऐड मान लीजिए और फिर आप इजीली ये काम कर सकते हैं। नो कॉपीराइट बन गया, बढ़िया बैकग्राउंड बन गया, मनपसंद बैकग्राउंड बन गया। तो आप वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फ्री में बन गया तो लाइक करो, फॉलो करो एंड शेयर करो। चलिए मिलते हैं भाई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।